हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जिट पोल आने के बाद कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे को, उसके बाद में रिजल्ट आएगा ट्यूसडे को, तो उस दिन आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोनों दिन कैसे ट्रेड करना है हम लोग बात करेंगे और साथ में आपको दो स्ट्रेटजी में आपको ऐसा बताऊँगा जिसको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और बड़े टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं जिससे आपका पैसा ज़्यादा बने, ठीक है। और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है तो इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या आपको सावधानी बरतना है मंडे के दिन, उसके बाद में ट्यूसडे के दिन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले जान लेते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर को कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है दोस्तों तो आपको पता होगा कि किस तरीके से आपको अपना रिस्क एंड रिवार्ड को मैनेज करना है, ठीक है। पूरा पैसा आपको कभी नहीं लगाना है और पूरा पैसा आपको रिस्क पर नहीं लगाना है, ना ही पूरा पैसा यूज़ करके आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए कि आपके पास दोस्तों अगर 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपया पूरा आप 1 लाख रुपये का ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपने पूरा 1 लाख रुपये का ट्रेड ले लिया तो दोस्तों वहाँ पर आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन में दोस्तों किस साइड बड़ी मूवमेंट एक ही कैंडल में आ जाए आपको पता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेड कैसे करना है, अपने पैसे को कैसे बचाना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको कितना ट्रेड करना है या आपको डिसाइड करना है। जैसा कि मान लो कि अगर आपको 10,000 रुपये का लॉस लेना है, ठीक है, तो आपके पास 1 लाख रुपया है, 10,000 का लॉस लेना है या 20,000 का लॉस लेना है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में आपको ट्रेड कितना करना है उसी हिसाब से आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ट्रेड कितना करना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों कि जो एक ही ट्रेड में अपना 10,000 रुपया लगा देंगे पूरा रिस्क पर, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक ही ट्रेड में 20,000 भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जैसे 10,000 का लॉस लेना है तो वहाँ पर आप 2,500 रुपये का लॉस लीजिए। अगर आपको 4 ट्रेड करना है दिन में तो 2,500 का 4 ट्रेड आप कर सकते हैं और चारों में दोस्तों किसी ना किसी में आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चारों में स्टॉप लॉस हिट होगा। तो उसी तरीके से दोस्तों जैसे आपका रिस्क कितना है अपने हिसाब से आप रिस्क मैनेज करके अपना ट्रेड करेंगे। और ट्रेड आपको कितना करना है या तो आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आपको 2 ट्रेड करना है तो आप 5,000 का रिस्क ले सकते हैं, कि अगर आपको दिन में 10,000 का यानी कि लॉस लेना है तब आप 5,000 का रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ दिन में 2 ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड करना है तो आप 10,000 पूरा रिस्क पे ले सकते हैं। उसमें आपका बड़ा प्रॉफिट भी बन सकता है और आपका 10,000 लॉस भी हो सकता है। तो आपको कितना ट्रेड करना है पूरा दिन भर, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, यानी कि आप 1,000, 2,000 या 3,000 का लॉस लीजिए, मतलब स्टॉप लॉस लीजिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप दूसरा ट्रेड फाइंड कीजिए, उसमें अगर आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट फिक्स रहेगा कि मेरा इतना ही लॉस लेना है, तो जब आप कम ट्रेड लेंगे, कम पैसे का ट्रेड लेंगे, तो वहाँ तक का पहुँचने तक दोस्तों आप कई ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में सारा पैसा कमा देंगे, जैसे आपका 10,000 का लिमिट है तो 10,000 एक ही ट्रेड में अगर आपने कमा दिया तो उसके बाद दोस्तों आप फिर जब ट्रेड करेंगे तो उसके ऊपर आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर दोस्तों आप अपने टारगेट के लिए रुक नहीं पाएंगे। जैसे वहाँ पर आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा तो आप निकल जाओगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको लॉस कितना लेना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपका लिमिट ख़त्म हो जाए, जैसे आपका अगर जो लॉस करने की लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, 1 ट्रेड में या 5 ट्रेड में या 10 ट्रेड में आपका वो लॉस हो जाता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है उस दिन, ठीक है। आपको क्या करना है, मार्केट को सिर्फ देखना है, और नहीं तो अगर आप मार्केट को नहीं देखेंगे तब भी चलेगा। अगर मंडे के दिन ऐसा आपके साथ हो जाता है तो ट्यूसडे के दिन आपको ट्रेड करना है। उस दिन आपको अपना पीसी बंद कर देना है, मोबाइल जो भी है आपका बंद कर देना है, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ट्रेड करने में फंसेंगे दोस्तों तो आप और भी बड़ा लॉस कर देंगे, ताकि आप दूसरे दिन फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा और आप दूसरे दिन कोई भी मूवमेंट पकड़ नहीं पाएंगे और दूसरे दिन भी आपका लॉस होगा, ठीक है। अगर आप अपने लिमिट में रहेंगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगा और आपका जो लिमिट रहेगा उसमें आप अपना ट्रेडिंग बंद कर देंगे। दूसरे दिन दोस्तों मंगलवार है, ट्यूसडे के दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट के दिन भी बड़ी मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। मंडे को भी बड़ी मूवमेंट आ सकता है और ट्यूसडे के दिन भी बड़ी मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो आपको अगर मंडे के दिन आपका पैसा नहीं बना, स्टॉप लॉस हिट होता है आपके हिसाब से, अगर मार्केट नहीं चल रहा है, ठीक है, बार बार जैसे आपका
एक बार दो बार तीन बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आपने सही ट्रेड अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको ट्रेड बंद कर देना है, ठीक है। आपको या तो सेकेंड हाफ में ट्रेड करना है, अगर आपका जैसे लिमिट बचा है तो सेकेंड हाफ में ट्रेड कर लीजिए एक आध ट्रेड, नहीं तो अगर आपका लिमिट खत्म हो गया तो आप दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, तो उस दिन आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बार बार ट्रेड करेंगे तो बार बार ट्रेड करने से आप हर बार सही नहीं जाएंगे, तो अपना छोटा स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पाइक आएगी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर की साइड में जाएगा और एक ही कैंडल में नीचे की साइड में गिर जाएगा, आपका वहाँ पे बड़ा से बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन के दिन या एग्जिट पोल आएगा मंडे के दिन बड़ी मूवमेंट आएगा किसी भी साइड, और प्रीमियम बहुत फास्ट गिरेगा, प्रीमियम कम नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है बैंक निफ्टी का। आप देख रहे हैं अभी कम से कम आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो अभी एट ऑफ द मनी है बैंक निफ्टी का, कम से कम 800-900 रुपये अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो आप 15 क्वांटिटी लेते हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 14,000 से 15,000 रुपये एक लॉट में लगेगा, ठीक है। आप कितना लॉट में ट्रेड करते हैं आपके हिसाब से, आप उस हिसाब से रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉट में ट्रेड करना सही नहीं है। कम लॉट आप लेंगे और वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो इसकी वजह से दोस्तों आपको ज़्यादा क्वांटिटी बाई नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा लगाना है, जैसे आपको 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको टारगेट कम से कम 150-200 पॉइंट का रखना है, ठीक है। और उसी हिसाब से आप यहाँ पे तभी प्रॉफिट बना पाएंगे, और अगर आप 1:1 का टारगेट लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा, क्योंकि जब दूसरे में जाएगा दोस्तों तो लगभग प्रीमियम बहुत फास्ट गिरेगा, आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट तुरंत हिट हो जाएगा। आपको ट्रेड में बने रहना है, कम से कम आपको 1:2 या 3 का टारगेट चाहिए तभी आप वहाँ पे निकलिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड कैसे करना है, दोनों स्ट्रेटजी आपको मैं यहाँ पे ब्लैकबोर्ड पे दिखा देता हूँ बता के, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको मार्केट ओपन होते ही ट्रेड नहीं करना है, अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 1 घंटा आधा घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट ओपन हो जाता है, किसी भी जगह पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे मार्केट ओपन हो जाता है तो तुरंत आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट किसी भी जगह पे पहली बार जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा, उसके बाद में एक रेंज जैसे बना देता है ऊपर नीचे करके, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। तो कोई भी रेंज बना देता है इस तरीके का, अगर रेंज बन जाता है, ठीक है, तो आपको इस रेंज को टूटने का वेट करना है, ठीक है। जैसे मार्केट अगर यहाँ से फिर से निकल जाता है इस तरीके का, तो ये जो हाई है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े रहेंगे तो इसको ब्रेकआउट कर देगा, तो लोग यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं बनाएंगे, और एंट्री आपको कब बनाना है, मार्केट को यहाँ पे थोड़ा देर रुकने देना है। अगर मार्केट निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकल जाने देना है, मार्केट निकल जाता है उसके बाद में, निकलने के बाद फिर से ये रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, ठीक है, तुरंत ऐसे ऊपर नहीं निकल जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद में मार्केट को यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार करना है, यहाँ पे मार्केट रुकता है कि मार्केट रुक, यहाँ पे मार्केट तुरंत अगर गिर जाता है नीचे की साइड में तो आपको एंट्री नहीं बनाना। अगर आप मान लीजिए एंट्री तुरंत बना लिया यहाँ पे तो मार्केट गिर जाएगा, तो आपका बड़ा से बड़ा स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इंतज़ार करना है, अगर यहाँ से मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको एंट्री बनाना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका पड़ेगा, और इसके बाद में आपको यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए इंतज़ार करना है, वेट करना है, ठीक है। बड़ी स्पाइक आएगी ऊपर की साइड में तभी आपको निकलना है। अगर आपको ये ट्रेड फेल हो जाता है, मान लीजिए कि अगर आपका ये जो ट्रेड है फेल हो जाता है, ठीक है, ऊपर की साइड में मार्केट नहीं निकल पाता है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गया, उसके बाद में आपने ट्रेड बना भी लिया, अगर आपने ट्रेड बना लिया तो भी, अगर आपने ट्रेड नहीं बनाया तो भी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट नीचे की साइड में गिरेगा, ठीक है, ये जो रेंज बना है रेंज के नीचे आ जाता है तो आपको यहाँ पे इंतज़ार करना है। धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में आया तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मार्केट आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इस लो का ब्रेक करने पर इंतज़ार करना है, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट आता है तब उसके बाद में आपको ट्रेड बनाना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है, मार्केट यहाँ पे तगड़ा गिरेगा, ठीक है, यहाँ पे बड़ा फॉल होगा और इसी में आपको इसी मोमेंट को आपको कैप्चर करना है। अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट आएगी तो आपको इस मूवमेंट को कैप्चर करना है, ठीक है। इस छोटे छोटे मूवमेंट के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि आप छोटा टारगेट के लिए अगर आप बैठेंगे दोस्तों तो छोटा टारगेट मिलेगा नहीं, क्योंकि स्पाइक में छोटा छोटा आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा, सुबह सुबह अगर आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, तुरंत एंट्री लेंगे, पैसा भी बर्बाद करेंगे, तो आपका यहाँ पे
कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एंट्री बनाना है, इस तरीके का बनता है मार्केट में, तो यहाँ पे आपका बड़ी स्पाइक में लगेगी, यानी बड़ा मूवमेंट आएगा ऊपर की साइड में, तो आप इस तरीके का पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मार्केट नीचे की साइड में गिर जाता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है, और नीचे की साइड में गिरेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट करके ऊपर की साइड में बहुत तेज जा सकता है। तो ये दो तरीके से आप ट्रेड कीजिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे, और तुरंत अगर आप एंट्री लेते हैं तो मार्केट ऊपर और नीचे इस तरीके से जाएगा, आपका स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वेट कीजिए, रेंज का वेट कीजिए, किसी भी रेंज का ब्रेकआउट होता है, उसका ब्रेकआउट जो फेल हो जाता है, तब आप उसको ब्रेकआउट फेल पे ट्रेड लेंगे तो भी आप बड़ा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे एंट्री कर लेंगे ऊपर की साइड में, और यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में गिर जाएगा और तगड़ा गिरेगा। जब तक लोग निकल नहीं जाएंगे, जब तक लोगों का पैसा साफ नहीं हो जाएगा, तब तक मार्केट वापस जाएगा नहीं। तो अगर आप नीचे की साइड में ट्रेड ले लेते हैं तो आप पैसा वहाँ पे बना पाएंगे, ठीक है। मार्केट एक बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर दिखाएगा, क्योंकि लोग वहाँ पे एंट्री कराएगा लोगों को, और वहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा, उसके बाद मार्केट एक साइड में जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।